हेलो दोस्तों मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स और आज हम इस वीडियो में बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं आप हमारे लेक्चर के पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं सिर्फ आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप इस दिए गए क्यू कोड को स्कैन करके भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री पी डाउनलोड कर सकते हैं अब आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टेजेशन आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा लाइन ऑर्गेनाइजेशन का एडवांटेज नहीं एक बार ऑप्शन को देख लेते हैं ए है इट इंश्योर्स डिसिप्लिन बी है इट एक्सलेंट डिसबिलिटी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ टास्क सी है इट इज सुटेबल फॉर बिग ऑर्गेनाइजेशन डी है इट इज नॉट एक्सपेंसिव तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या है तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जैसे लाइन ऑर्गेनाइजेशन लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन कमेटी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन 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 आपने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ देखा होगा उसी में से लाइन ऑर्गेनाइजेशन भी एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर ध्यान रखना कि जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन है ये ओल्डेस्ट और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो यहाँ पे मैं नोट कर दे रहा हूँ और लाइन ऑर्गेनाइजेशन में जो अथॉरिटी होती है वो वर्टिकली फ्लो होता है एक हायरकल ऑर्डर में ऑर्डर का क्या मतलब है सपोज कर लेते हैं कि ए बी सी और डी ये चार लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं अगर ए पर्सन को डी को ऑर्डर देना है तो ए डायरेक्ट डी को ऑर्डर नहीं दे सकता है. वो एक हायरकी को फॉलो करेगा यानी ए जो है वो बी को ऑर्डर देगा बी जो है वो सी को देगा और सी जो है वो डी को देगा यानी एक सीधी लाइन में अथॉरिटी फ्लो करती है तो इसीलिए बोला जाता है कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन में जो अथॉरिटी होती है वो टॉप टू बॉटम जाता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉटम टू टॉप जाती है ठीक है जो ऑर्डर है वो टॉप टू बॉटम जाएगा और जो रिक्वेस्ट है वो बॉटम टू टॉप जाता है और यहां पे ध्यान रखना कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन को हम अलग अलग नामों से आते हैं जैसे वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि ये वर्टिकल लाइन में जाता है इसी तरीके से स्केलर ऑर्गेनाइजेशन स्केलर का क्या मतलब है कि एक सीक्वेंस में फॉलो होगा यानी ए बी को ऑर्डर देगा बी सी को और सी डी को, को देगा तो एक स्केलर चेन को फॉलो किया जाता है इसे हम मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन क्यों कहते हैं क्योंकि सबसे पहले जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन था उसका इस्तेमाल मिलिट्री में किया गया था तो इसीलिए हम लाइन ऑर्गेनाइजेशन को मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं तो आपने बेसिक लाइन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लिया है तो अब सारे ऑप्शंस को इवेल्यूएट कर लेते हैं पहला दिया है इट इंश्योर्स एक्सिलेंट डिसिप्लिन तो ये एक एडवांटेज है यहाँ पे सबसे ज्यादा डिसिप्लिन होता है नेक्स्ट है इट फिक्सिस रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ टास्क अब हर एक इंडिविजुअल को एक टास्क दिया जाता है और उस टास्क को करने के लिए उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है तो ये भी एक एडवांटेज है नेक्स्ट है इट इज़ सुटेबल फॉर बिग ऑर्गेनाइजेशन ये गलत है क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन है वो सुटेबल है बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए जबकि लाइन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल होता है ये मैंने लाइन ऑर्गेनाइजेशन वाले लेक्चर में बताया था नेक्स्ट है इट इज़ नॉट एक्सपेंसिव तो ये सही एडवांटेज है अगर हम कंपेयर करें दूसरे फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जैसे लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन है वो कम एक्सपेंसिव होता है तो यहाँ पे पूछा है कौन सा एडवांटेज नहीं है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का सी ध्यान रखिएगा इस वीडियो में जो भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने पहले ही किया हुआ है और उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो इस वीडियो को देखने के बाद आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेफरेंट सोर्स ऑफ पावर आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रेफरेंट सोर्स ऑफ पावर है जिसे हम रेफरेंट पावर भी कहते हैं एक बार ऑप्शन को देख लेते हैं फर्स्ट है परसेप्शन और बिलीव दैट मैनेजर हैज सम स्पेशल नॉलेज नेक्स्ट है मैनेजर्स डिजायर टू आइडेंटिफाई विथ और टू इमिटेट द सबऑर्डिनेट नेक्स्ट है एबिलिटी ऑफ मैनेजर टू रिवॉर्ड द दबार्डिनेट्स फॉर ओबेइंग ऑर्डर नेक्स्ट है एबिलिटी ऑफ मैनेजर टू पनिश द दबार्डिनेट्स फॉर नॉट ओबेइंग ऑर्डर तो देखिए यहाँ पर जो टॉपिक है वो है पावर पावर एंड इट्स टाइप्स यहां से क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया तो अगर आपने पावर चैप्टर के बारे में अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो पावर पे ही लेके आ जाऊंगा तो सबसे पहले पावर आपको पता होना चाहिए कि पावर क्या है जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन से कुछ कराना चाहता हो चाहे उस दूसरे पर्सन की इच्छा हो या ना हो ठीक है अगर पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ कराना चाहता हो और वो करा ले तो इसे ही इम्पावर कहते हैं फॉर एग्जाम्पल आपके घर में जब आपके पापा या आपकी मम्मी आपसे कुछ कहती है? तो क्या आप मना कर सकते हो नहीं कर सकते मोस्ट ऑफ द केसेस में आप मना नहीं कर सकते तो इसे हम पावर कहते हैं अब पावर भी कई तरीके के हो सकते हैं जैसे यहाँ पे लिखा है रेफरेंट पावर इसी तरीके से एक्सपर्ट पावर होता है रिवॉर्ड पावर होता है लेजिटिमेट पावर होता है तो अलग अलग पावर के बारे में आप पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको रेफरेंट पावर से क्वेश्चन पूछ लिया गया तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रेफरेंट पावर का क्या मतलब है रेफरेंट जो वर्ड है वो किससे बना है रेफरेंस से आप अपने जो भी आइडियल हैं आप कई लोग को आइडियल मानते होंगे, जैसे सचिन तेंदुलकर या हो सकता है कोई एक्टर को या कोई एथलीट को या किसी फिल्म स्टार को आप आइडियल मानते होंगे, तो आप क्या करोगे उनका रेफरेंस लेते हो कहने का क्या मतलब है कि जो भी आपका एक्टर या एक्ट्रेस या जो भी फिल्म स्टार है या क्रिकेटर है जो भी करता होगा आप सेम चीज को करने की कोशिश करते होगे आप उसको कॉपी करने की कोशिश करते होगे इमिटेट करने की कोशिश करते हो गए फॉर एग्जाम्पल अगर किसी एक्टर ने किसी तरीके का हेयर स्टाइल जैसे तेरे नाम है आपने मूवी देखा होगा तो बहुत सारे लोगों ने उसको कॉपी करना स्टार्ट कर दिया तो जब आप अपने जो भी आइडियल पर्सन है उसको कॉपी करने की कोशिश करते हो तो इस पावर को हम रेफरेंस पावर कहते हैं यानी कि आपने उसके जो पर्सनालिटी है उसका जो बिहेवियर है उसको आप इस तरीके से प्रभावित हुए कि आप उसको रेफरेंस की तरह यूज कर रहे हो आप उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो तो रेफरेंट पावर का क्या मतलब है वेन अ पर्सन लाइक्स अनदर पर्सन टू सच एन एक्सटेंट दैट ही लाइक्स टू बिकम अ ट्रू कॉपी ऑफ द पर्सन एक पर्सन अपने आइडियल को कॉपी करने की कोशिश करता है इमिटेट करने की कोशिश करता है उसके हेयर स्टाइल को कॉपी कर सकता है उसके ड्रेसेस को जो भी वो पहनता है उस तरीके का ड्रेसेस पहनने की कोशिश कर सकता है ईटिंग हैबिट्स को कॉपी कर सकता है और बॉडी को कॉपी कर सकता है जनरली जो लड़के हैं वो मस्कुलर जो एक्टर हैं या फिर कोई एथलीट है उसकी तरह अपना बॉडी बनाना चाहते हैं तो इसे हम रेफरेंट पावर कहते हैं तो सेकंड ऑप्शन में आप देखिए यहाँ पे लिखा है मैनेजर्स डिजायर टू आइडेंटिफाई विथ और इमिटेट द सबॉर्डिनेट्स मैनेजर की ये इच्छा है कि वो अपने सबॉर्डिनेट्स को आइडेंटिफाई करे और उसको इमिटेट करें तो यहाँ पे इमिटेशन क्या है ये कीवर्ड है तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है रेफरेंट पावर बाकी ऑप्शंस को भी एक बार देख लेते हैं पहला दिया है परसेप्शन और बिलीव दैट मैनेजर हैज सम स्पेशल नॉलेज आपका ये परसेप्शन या बिलीव है कि मैनेजर के पास कोई स्पेशल नॉलेज है तो इसे हम क्या बोलते हैं एक्सपर्ट पावर अगर कोई स्पेशल नॉलेज है तो उसे हम बोलेंगे एक्सपर्ट और इस तरीके के पावर को हम एक्सपर्ट पावर कहते हैं एक बार सी ऑप्शन देख लेते हैं एबिलिटी ऑफ मैनेजर टू रिवॉर्ड द दबिनेट फॉर ओबेग ऑर्डर्स अगर आपका सबॉर्डिनेट जो है आपकी बात मानता है तो एज अ मैनेजर आप उसको रिवॉर्ड देते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे इसे हम बोलेंगे रिवॉर्ड पावर यानी काम कराने के लिए आप रिवॉर्ड का इस्तेमाल कर रहे हो लास्ट देखते हैं अबिलिटी ऑफ मैनेजर टू पनिश दबार्डिनेट्स फॉर नॉट ओबेइंग ऑर्डर्स अगर आपका सबॉर्डिनेट जो है वो आपकी बात नहीं मान रहा है तो आप उसको पनिशमेंट दे रहे हो तो इस तरीके के पावर को हम बोलेंगे लेजिटिमेट पावर लेजिटिमेट पावर लेजिटिमेट पावर का क्या मतलब है कि जब दूसरा व्यक्ति जो है वो इस पोजीशन में है कि वो आपके ऊपर कुछ चीजें इम्पोज कर सकता है यानी कि उसके पास ये राइट right है कि वो आपको ऑर्डर दे सकता है जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल दिया कि आपके फादर ने अगर आपको कुछ कहा है करने को तो उसका मतलब क्या है कि वो उस पोजीशन में है कि वो आपको ऑर्डर दे सकते हैं और अगर आप नहीं करोगे वो चीज तो आपको पनिशमेंट में मिल सकता है तो जहां पे पनिशमेंट की वर्ड आ जाएगा वहां पे लेजिटिमेट पावर हो सकता है जहां पर रिवॉर्ड आ जाएगा वहां पर रिवॉर्ड पावर हो जाएगा जहां पे स्पेशल नॉलेज आ जाएगा वहां पे एक्सपर्ट पावर आ जाएगा ठीक है तो सेकेंड का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हिंडर हिंडर का मतलब क्या है बैरियर बाधा विच आर द फॉलोइंग फैक्टर्स हिंडर द फॉर्मेशन एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ कार्टल्स आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि कार्टल्स को बनाने में एक बाधा या हिंडर या बैरियर है एक बार देख लेते हैं सारे ऑप्शंस को लेस नंबर ऑफ फॉर्म्स इन द इंडस्ट्री प्रेजेंस ऑफ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट डिफरेंट कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑप्शेंस ऑफ मोनोपोलीज डिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक बार ऑप्शन देख लेते हैं क्या ये बी सी और डी सही होगा क्या ये ए डी और ई e सही होगा या फिर ये सी डी और ई e सही होगा या फिर ये बी सी और ई e सही होगा तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कार्टल्स क्या है कार्टल्स है एसोसिएशन ऑफ मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ऑफ मैन्युफैक्चरर्स और सप्लायर्स यानी कि मैन्युफैक्चरर और सप्लायर के एसोसिएशन या संघ को हम कार्टल्स कहते हैं जैसे आपने ट्रेड यूनियन सुना होगा उसी तरीके से कार्टल जो है वो मैन्युफैक्चरर और सप्लायर का एसोसिएशन है और ये एसोसिएशन बनाया क्यों जाता है क्योंकि सपोज कर लीजिए कि तीन मैन्युफैक्चरर्स हैं, ए बी और सी वो कोई लिक्विड बेच रहे हैं जैसे कोका कोला है उसी तरीके से कोई और लिक्विड मान लेते हैं वो तीन अलग अलग प्राइस में बेचते हैं कोई दस रुपए में बेचता है कोई नौ रुपए में बेचता है कोई आठ रुपए में बेचता है ठीक है मान लेते हैं कोई कोल्ड ड्रिंक है या सॉफ्ट ड्रिंक है तो कार्टल्स इसीलिए बनाया जाता है ताकि एक हाई लेवल प्राइस को मेंटेन किया जा सके और कंपटीशन को कम किया जा सके सपोज कह लीजिए अगर ये तीनों ने आपस में एक एसोसिएशन बना लिया और ये बोला कि हम ठीक है तीनों जो हमारा जो कोल्ड ड्रिंक है सॉफ्ट ड्रिंक है इसका प्राइस हम नौ रुपए रखेंगे तीनों लोग जो है वो अपना प्रोडक्ट का प्राइस नौ रुपए रखेंगे तो इसका क्या मतलब है कि ये कंपटीशन को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं और इसके बदले हो सकता है कि एक हाई प्राइस जो हाई लेवल है प्राइस का उसको भी मेंटेन कर सके हो सकता है यहाँ पे नौ रुपए का जाना दस रुपये भी रखें तो कंज्यूमर के पास ऑप्शन कम हो जाएगा तो अल्टीमेटली कंज्यूमर उसी प्रोडक्ट को परचेज करेगा तो मेन परपज क्या होता है मेनटेनिंग प्राइस एट हाई लेवल एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ कॉम्पिटिशन ठीक है कॉम्पिटिशन को रिस्ट्रिक्ट करना ये कार्टल्स का फंक्शन होता है तो अब यहाँ पे कह रहा है कि जब कार्टल्स बनाया जाता है यानी एसोसिएशन बनाया जाता है तो उसकी फॉर्मेशन में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बैरियर का, का काम करते हैं तो एक बार सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं फर्स्ट है लेस नंबर ऑफ फॉर्म्स इन द इंडस्ट्री जब कम फॉर्म्स हैं तो यहाँ पे कोई भी हिंडर या बैरियर्स होगा ही नहीं कम लोग हैं तो आपस में बात करके हम कर सकते हैं नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ डिफरेंशियटेड प्रोडक्ट अब देखिए डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट का क्या मतलब है कि एक प्रोडक्ट दूसरे से बहुत ज्यादा अलग है जैसे हम फोन्स देखते हैं तो मोरलेक्स सभी लोग का फोन में सेम फीचर है कॉलिंग है कैमरा है सारे फीचर सेम है लेकिन अगर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होगा यानी कि अलग अलग फॉर्म्स के जो प्रोडक्ट हैं वो अलग अलग होगा तो यहाँ पे ये बैरियर का काम करेगा ऐसे में हम एक एसोसिएशन नहीं बना पाएंगे तो ये एक हेंडर का काम करेगा नेक्स्ट है डिफरेंट कॉस्ट स्ट्रक्चर जब डिफरेंट कॉस्ट स्ट्रक्चर होगा तो ये भी एक बैरियर का काम करेगा नेक्स्ट है ज और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस होगा अगर ये नहीं है तो भी एक हिंडर का काम करेगा तो जिस भी ऑप्शन में ए है उसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं तो यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी सी डी जो है वो ऐसे फैक्टर्स है जो कार्ट को बनाने में एक बैरियर का काम करेंगे तो सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिस्टिंग फीचर ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको बताना है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का कौन सा फीचर है सारे ऑप्शन को देख लेते हैं फ्लेक्सीबिलिटी यूनिवर्सल एप्लीकेशन प्रिंसिपल्स आर एप्सलूट नॉट रिलेटिव बेस्ड ऑन सिचुएशन डिराइव्ड आउट ऑफ एक्सपीरियंस ऑप्शन देख लेते हैं ए सी एंड ई ए बी एंड डी बी सी डी एंड ई ए बी डी और ई तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के कुछ फीचर्स हैं जैसे फ्लेक्सिबिलिटी रेजिड नहीं है प्रिंसिपल नेक्स्ट है यूनिवर्सल एप्लीकेशन यूनिवर्सल एप्लीकेशन का क्या मतलब है कि हर तरीके का ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हैं नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स आर एप्सिलूट देखिए जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैं वो एप्सिल्यूट नहीं है वो रिलेटिव है रिलेटिव का क्या मतलब है कि हम एग्जैक्ट प्रिंसिपल को यूज नहीं कर सकते बल्कि हम उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं थोड़ा बहुत हम चेंजेस करते हैं चेंजेस करने के बाद ही उसको अप्लाई कर सकते हैं तो थर्ड ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा डी है बेस्ड ऑन सिचुएशन अभी मैंने आपको बताया कि जिस तरीके का सिचुएशन होगा उस तरीके से हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल को इस्तेमाल कर सकते हैं इसलिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो सिचुएशन पे बेस्ड होता है नेक्स्ट है डिराइव्ड आउट ऑफ एक्सपीरियंस तो ये भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल का फीचर तो जिस भी ऑप्शन में सी है उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं तो ए यहाँ पे देखिए आप ए बी डी और ई e, ये आपके सामने आ गए तो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा मैनेजमेंट प्रिंसिपल है एक बार देख लेते हैं डिसिप्लिन डिसेंट्रलाइजेशन यूनिटी ऑफ कमांड इक्विटी इंस्टेबिलिटी ऑफ टेन्यर एक बार ऑप्शन देख लेते हैं क्या ये ए सी डी सही होगा क्या ये ए बी सी और ई e सही होगा क्या ये ए बी डी सही होगा या फिर ये बी सी सही होगा तो देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मैंने आपको पहले ही पढ़ाया हेनरी फ्यूल ने फोर्टीन प्रिंसिपल्स दिया था इसका मैंने शॉर्ट में आपको एक फॉर्म बना के दिया था जो है दादू अस आरसी सोई टाई ये मैंने आपको एब्रीवेशन बना के दिया था ताकि आप फोर्टीन प्रिंसिपल्स को याद कर सकें डी से क्या है डिविजन ऑफ वर्क ए से क्या है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डी से क्या है डिसिप्लिन देखो यहाँ पे डिसिप्लिन दिया गया नेक्स्ट क्या है यू यू का क्या मतलब है यूनिटी ऑफ कमांड यहाँ पे दिया गया नेक्स्ट यू का क्या मतलब है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एस से क्या होगा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट यानी कि जब एक जो सबॉर्डिनेट है उनका इंडिविजुअल इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट अगर बीच में आ जाए तो हमेशा जो इंप्लॉई है जो सबॉर्डिनेट है उसे ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रख के काम करना चाहिए अपने इंटरेस्ट को छोड़ देना चाहिए वहां पे नेक्स्ट है आर आर मींस रेमरेशन ऑफ पर्सनल सी क्या है सी फॉर सेंट्रलाइजेशन तो यहाँ पे देखिए डिसेंट्रलाइजेशन दिया गया तो ये डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगा हालांकि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन बताया गया है प्रिंसिपल में लेकिन स्पेसिफिकली के बारे में बात नहीं किया गया है सिर्फ सेंट्रलाइजेशन के बारे में बात किया गया है ठीक है फिर एस से क्या होगा स्केलर चेन जो यहाँ पे नहीं दिया गया है ओ से है ऑर्डर ई e से है इक्विटी इक्विटी के बारे में दिया गया टी e से है टेन्योर इसको हम बोलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर टेन्योर का मतलब क्या है कार्यकाल तो एक एम्प्लॉय को अगर आपने रिक्रूट कर लिया तो उसके टेन्योर को आप स्टेबल रखना चाहेंगे ऐसा नहीं कि आपने एक को रिक्रूट किया आज कल उसे आप ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकाल दें तो जो टेन्योर है ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय का वो स्टेबल होना चाहिए यहाँ पे देखिए इनस्टेबिलिटी दिया है यहाँ पे इनस्टेबिलिटी दिया गया है जबकि होना क्या चाहिए स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर होना चाहिए ठीक है तो ये भी नहीं होगा आगे देख लेते हैं आई से क्या है इनिशिएटिव यानी जो मैनेजर हैं उसे इनिशिएटिव लेना चाहिए आगे बढ़ के उसे इनिशिएटिव लेना चाहिए ई से है एस्प्रेड डे कॉर्स यानी यूनियन इज स्ट्रेंथ यहाँ पे कोऑपरेशन की बात कही गई है मैंने फोर्टीन प्रिंसिपल से पहले वीडियो बना लिया है तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में, में दिया गया है वहाँ से आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं तो देखिए जिस ऑप्शन में बी है उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना अब आई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अरेंज द द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ ऑफ ह्यूमन नीड्स इन हायरार्की देयर इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस आपके सामने कुछ ह्यूमन नीड्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं और आपको एक हायरार्की में उन्हें सेट करना है ऑफ देयर इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस सारे ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं इंश्योरेंस फॉर एक्सीडेंट्स रिकोगनीजन एंड रिस्पेक्ट फ्राम अदर्स फूड एंड शेल्टर प्रोविजन्स अकम्पलिशिंग डिस्टिंग इन चूजन एरिया बाई मैक्माइजिंग पोटेंशियल डेवलपिंग मीनिंगफुल रिलेशन विध अदर ये आपके सामने सारे हरकी या सीक्वेंस दिए गए तो देखिए मैंने आपको बताया था कि मैस्लों ने नीड हरकित दी है और उसमें उन्होंने ह्यूमन नीड्स को पाँच कैटेगरीज में डिवाइड किया एक एक करके देख लेते हैं पहला उन्होंने बात किया बेसिक नीड की दूसरा उन्होंने दिया सेफ्टी नीड सेफ्टी नीड को हम सिक्योरिटी नीड भी कहते हैं ये मैंने आपको बताया था तीसरा है सोशल नीड फोर्थ है एस्टीम नीड या इसे हम इगोस्टिक नीड भी कहते हैं और लास्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड एक एक करके मैं सारी चीजों को एक्सप्लेन करता हूँ सबसे पहले है बेसिक नीड यानी कि एक पर्सन की जो बेसिक नीड है जैसे रोटी कपड़ा मकान ये सबसे पहले होनी चाहिए जब एक पर्सन की जो बेसिक नीड है वो पूरी हो जाएगी तभी वो शिफ्ट करेगा दूसरे नीड पे तो बेसिक नीड का क्या मतलब है रोटी कपड़ा मकान सेफ्टी नीड का क्या मतलब है कि जो चीजें बेसिक नीड आपको कल मिल रही तो वो आज भी मिले जैसे रोटी कपड़ा मकान सिर्फ आपको एक दिन के लिए तो नहीं चाहिए फ्यूचर के भी लिए चाहिए तो इसे हम सेफ्टी नीड कहते हैं जैसे आप में से ज़्यादातर लोग जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं क्योंकि अगर आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब होगी तो अब आज के अलावा कल भी आप रोटी कमा सकते हो ठीक है तो ये सेफ्टी नीड हो गया या सिक्योरिटी नीड भी इसे कहते हैं नेक्स्ट है सोशल नीड हम सब एक सोशल एनिमल हैं हमें एक दूसरे से बात करना पसंद है और एक दूसरे के साथ घूमना फिरना खाना ये सारी चीज़ें लव एफेक्शन ये सारी चीज़ें मैं पसंद है तो जहाँ पे लव अफेक्शन ये सारी चीज़ें आ जाएंगी ये सब सारी चीज़ें सोशल नीड का एग्जाम्पल है नेक्स्ट है एस्टीम नीड हम अपने आप को दूसरे से सुपीरियर दिखाना चाहते हैं हम महंगे फोन्स खरीदते हैं एक्सपेंसिव बाइक खरीदते हैं एक्सपेंसिव कपड़े खरीदते हैं ये हमारे स्टीम नीड को पूरा करता है हम अपने आप को बेहतर दिखाना चाहते हैं दूसरों से नेक्स्ट है सेल्फ़ एक्चुलाइजेशन नीड ये हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड है जहाँ पे हम अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को यूज़ करते हैं और लाइफ में हम जो बनना चाहते हैं जैसे आप में से ज़्यादातर लोगों का ये ख्वाब होगा कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बने गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाएं तो वो आपके लिए एक सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन नीड का एग्जाम्पल हो सकता है तो आप सारे एग्जाम्पल्स को रिलेट करते हैं कि कौन सा जो एग्ज़ाम्पल है वो किस तरीके के नीड से मैच करता है सबसे पहले बेसिक नीड की बात करते हैं तो फूड एंड शेल्टर जो है वो आपका बेसिक नीड का एग्जाम्पल हो जाएगा ठीक है इंश्योरेंस फॉर एक्सीडेंट आप इंश्योरेंस क्यों कराते हो क्योंकि आप चाहते हो कि कल भी आपकी गाड़ी जो है वो अच्छा रहे तो ये आपका सेफ्टी नीड हो जाएगा सेफ्टी या सिक्योरिटी रिकॉग्नीजन एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर ये आपका स्टीम नीड है नेक्स्ट कंप्लिशिंग डिस्टिंक्शन इन चूजन एरिया बाई मैक्सिमाइजिंग पोटेंशियल ये आप मैक्सिम पोटेंशियल को यूज करना चाहते हो तो ये आपका होगा, की बात फूड एंड शेल्टर तो जिस भी ऑप्शन में फूड एंड शेल्टर सी नहीं है उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं और सबसे लास्ट में कौन सा आना चाहिए डी क्योंकि जो मैक्सिमाइजिंग पोटेंशियल है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है जो कि हाईएस्ट नीड है तो सबसे आखिरी माना चाहिए तो जिस भी ऑप्शन में डी नहीं आ रहा है उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं देखिए दोनों में आ रहा है तो एक सीक्वेंस में करके देख लेते हैं तो एक बार आप देखिए डी डी में जो है वो आ रहा है क्योंकि फूड एंड शेल्टर ये फर्स्ट हो जाएगा इंश्योरेंस ये सेकेंड हो जाएगा ये थर्ड हो जाएगा ये फोर्थ हो जाएगा और ये फिफ्थ हो जाएगा तो यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इसको आप एक बार मैच करके खुद से भी देख सकते हैं अब आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फॉलोइंग इंडस्ट्री वर्टिकल्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेटेजेस इन द इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज इन इंडिया आपके सामने कुछ कोर इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल दे रखा है जैसे कोल सीमेंट रिफाइनरी प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी स्टील आपको बताना है कि जो इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज हैं उनकी वेटेज के अकॉर्डिंग आपको उन्हें रैंक करना है ये आपके सामने सारे ऑप्शन दिए गए हैं तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज क्या है देखिए हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है जैसे एग्रीकल्चर बिना एग्रीकल्चर के आप कुछ नहीं कर सकते अगर आप कुछ खाओगे नहीं कुछ उगाओगे नहीं तो आप करोगे क्या यानी एग्रीकल्चर एक मेन एलिमेंट है दूसरी तरफ सर्विसेज हैं तीसरा है इंडस्ट्री अब ये इंडस्ट्री से ही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है अब इंडस्ट्रीज में भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं तो हम सारे इंडस्ट्रीज को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हम सिर्फ आठ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज को इंक्लूड करते हैं जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे इकोनमी में सबसे ज्यादा है और हर एक इंडस्ट्री को हमने कुछ वेटेज दे रखा है

इंपॉर्टेंस है उसके बेसिस पे उनको वेटेज दिया गया है कि उनकी इंपॉर्टेंस कितनी और ऐसे आठ कोर इंडस्ट्रीज हैं जिनको बताया गया है यहां पे तो मैं सबको लिख देता हूं सबसे पहले देखते हैं कोल कोल का जो वेटेज है वो है टेन पॉइंट थ्री थ्री परसेंट इसी तरीके से है क्रूड ऑयल यहां ध्यान रखना ये फर्स्ट है या सेकेंड क्रूड ऑयल का जो वेटेज है वो है एट पॉइंट नाइन एट परसेंट तीसरा है नेचुरल गैस ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए नेचुरल गैस का जो वेटेज है वो है सिक्स पॉइंट एट एट परसेंट चौथा है रिफाइनरी प्रोडक्ट यहाँ मैंने पी लिख दिया है रिफाइनरी प्रोडक्ट का जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा है जो कि है ट्वेंटी एट पॉइंट जीरो फोर परसेंट पांचवा है फर्टिलाइजर fertilizer, फर्टिलाइजर्स इसका वेटेज कम है जो कि है टू पॉइंट सिक्स थ्री परसेंट छठा है स्टील इसका वेटेज ज़्यादा है सेवेंटीन पॉइंट नाइन टू परसेंट सातवा है सीमेंट सीमेंट इंडस्ट्री का जो वेटेज है वो है फाइव पॉइंट थ्री सेवन आठवां है इलेक्ट्रिसिटी इसका वेटेज है नाइनटीन पॉइंट एट फाइव परसेंटेज तो ये इंपॉर्टेंट आठ कोर इंडस्ट्रीज हैं और इनका वेटेज दिया गया तो एक बार सारे वेटेज को एक तरीके से लिख देते हैं देखिए कोल का मैंने अभी आपको बताया टेन पॉइंट थ्री थ्री परसेंट है, है। सीमेंट का एक बार देख लेते हैं फाइव पॉइंट थ्री सेवन रिफाइनरी का देख लेते हैं ट्वेंटी एट पॉइंट फोर परसेंट है इलेक्ट्रिसिटी का देख लेते हैं नाइनटीन पॉइंट एट फाइव परसेंट है Steel कितना कह रहा है कि आप जो कोर इंडस्ट्रीज का इंडेक्स है उसके वेटेज के अकॉर्डिंग उसे असेंडिंग ऑर्डर में करना है असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब है वन टू थ्री फोर यानी लो टू हाई जाना है यानी सबसे कम जो है वो सबसे पहले नंबर पे होगा तो यहां पे देखिए सीमेंट का जो वेटेज है वो सबसे कम है पांच परसेंट के आसपास है तो ये हो जाएगा फर्स्ट तो यानी कि जो बी है ऑप्शन वो पहला होना चाहिए तो बाकी ऑप्शन को एक तरीके से हम एलिमिनेट कर सकते हैं और जो मैक्सिमम है वो कितना है ट्वेंटी एट तो ये फिफ्थ हो जाएगा यानी लास्ट में क्या होना चाहिए वो सी होना चाहिए तो इस तरीके से हम एलिमिनेट कर दिए तो ये करेक्ट जो है वो सीक्वेंस होगा तो सेवेंथ का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी अब यहाँ पे एक दो चीज और आप ध्यान रख सकते हो कि ये जो इंडेक्सेस है वो कौन बनाता है वो बनाता है ओ ए -E मतलब है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी और ये डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसीज एंड प्रमोशन के अंतर्गत आता है और मिनिस्ट्री भी आपको याद होनी चाहिए मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ठीक है ये चीजें आपको बेसिक बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए तब जाके आप इस तरीके के क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं ध्यान रखिएगा है कि जो भी इस वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है अगर उसका वीडियो मैंने पहले बनाया होगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा वहाँ से आप डिटेल में जाके चीज़ों को पढ़ सकते हैं अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप हमारे इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं नंबर है सेवन थ्री वन सेवन टू फोर डबल ज़ीरो वन सेवन यहाँ पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं मैं आपके सारे क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो ये था बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन को मैंने जानबूझ के छोड़ दिया है क्योंकि उसमें कुछ एम्बिगिटी थी इसलिए मैंने उसको कवर नहीं किया है अगर आप कहेंगे तो मैं टेलीग्राम पे उन क्वेश्चंस को आपको फॉरवर्ड कर दूंगा तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा थैंक यू